सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सेठ जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि भगवान की क्या सामर्थ्य जो हमें खिलाई। हम कर्म करते हैं, कर बिन कर्म करें विधि नाना। हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचित्। भगवान कह रहे हैं गीता में, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो कहता है हम कर्म करते हैं, कमाते हैं तब खाते हैं, और जो नहीं खाता मेरा भगवान उसको मार मार के खिलाता है, लेकिन आपको भूखा नहीं रहने देता है। अब सेठ ने कहा कि ये मैं इन संत की बातों को गलत कर दूंगा, गलत सिद्ध कर दूंगा। कैसे? सेठ कथा सुन करके जा करके भयंकर घोर जंगल में बैठ जाता है, पेड़ पर चढ़कर। कहता है आज मैं रात भर यहीं रहूंगा, मैं देखता हूं मुझे कैसे खिलाता है। सुबह का बैठा, शाम हो गई, आए नहीं भगवान। शाम की बेला थी, एक माता थी वृद्ध, गौ को चराने के लिए जंगल में गई थी और खाने को रोटी लेके गई थी, अचार और रोटी पॉलीथीन में पैक करके। और जैसे खाने को बैठी तैसे गौ माता दिखी नहीं, वो बुढ़िया माता उसके पीछे पीछे चली गई भोजन को छोड़ करके। सेठ जी महाराज पेड़ पर बैठे हैं, कुछ डाकू आते हैं वहाँ बैठते हैं, चोर आते हैं, और जंगल में चोर जो होते हैं ना, ये अपनी मीटिंग करते हैं हमको किसके यहाँ चोरी करना है। सब मीटिंग कर रहे थे बैठ करके, खुशबू आई, रोटी को देखा तो चोरों का सरदार कहता है यहाँ लगता कोई है और किसी ने मेरी बातें सुन ली तो मैं अवश्य पकड़ा जाऊँगा। इधर उधर सब देखने लगे, कहते अच्छा तो तू ऊपर बैठा हुआ है। तो सरदार कहता है कि ये जो जानता है ये, और ये रोटी यहाँ इसलिए रखा है, इसमें जहर मिला रखा है, अगर मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसको उतारो जल्दी। अब सेठ जी महाराज को नीचे उतार लिया गया। नीचे जब वो उतर करके आए, अब कहते हैं इस रोटी को खाओ। कैसे खाएंगे इस रोटी को खाओ? कहते महाराज नहीं खाऊंगा। अब चोरों ने वो मार लगाई तड़ातड़, खूब पिटाई की, पिटाई करके कहा इस रोटी को खत्म करो, और एक ने उठा उठा के मुख में खिलाना शुरू कर दिया। अब बताओ भगवान मार के खिलाता है कि नहीं खिलाता है? ना, वो मेरा परमात्मा, यदि आप नहीं खाओगे तो मार के खिलाएगा, लेकिन आपको खिलाएगा। अगर उसको देना है और आपने कोई ऐसा काम किया है तो आपको आगे सामने आया हुआ भोजन का थाल चला जाएगा, आपको नसीब नहीं होगा। मेरा परमात्मा इतना दयालु है। घर में बच्चे जब रुष्ट होते हैं तो माताएं मार मार कर खिलाती हैं कि नहीं? बचपन में हम लोग भी खाने के लिए डांट खाते थे, मार खाते थे, और किसी काम के लिए नहीं, बस खाने के लिए। वो इतनी ममतामयी होती हैं कि आपको भोजन अवश्य कराएंगी। तो वो माँ नहीं, वो भगवान स्वरूप हैं। और सेठ कहता है महाराज ये तो बातें सत्य हो गई, सत्य में कह रहे थे संत भगवान कि जो नहीं खाता भगवान उसे मार के खिलाता है। आप लोग भी ऐसा संशय पाल करके मत चले जाना कहीं संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान कहते आया, प्रणाम किया और बड़ा भगत बन जाता है।